बिल्कुल भाई, लक्ष्मी दो रूप में आती है, गरुड़ पे बैठ के, उल्लू पे बैठ के। जो उल्लू पे बैठ के आती है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, वो झूठ की कमाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दुनिया ने आपने तो देखा होगा लोगों के पास इतना पैसा है लेकिन कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। बिल्कुल लगी रहती है भाई। और आप सच के साथ कमाएंगे तो कोई ना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब दोबारा भी, मतलब एक आध बार बीच में भी धमकी आ रखी है? धमकी नहीं आई, अब तो बोलता मनोज मर गया, मरने को पड़ा जी, उसकी हेल्प कर दो आप। अच्छा जी, हमें हमारे इस अकाउंट में डाल दो, हमें हेल्प कर देंगे। मतलब किसी ने ऐसा बोला हो? फ्रॉड मतलब हो रहे हैं काम, मतलब आपका, आपकी जगह तो अपना नंबर वम्बर दे के मतलब हेल्प कर दीजिए, मतलब फ्रॉड हो रहा बहुत ज्यादा। अच्छा जी जी, जिंदगी जिंदगी तुझको इस मोड़ पे ला ही देंगे, तू हमें कुछ भी ना दे, हम तो वफा ही देंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेदर वीडियो। तो भाई आज हम आ रखे हैं नेहरू प्लेस, और भाई नेहरू प्लेस में आके अगर हम मनोज भाई से मिले तो भाई फिर यहाँ पे आने का फायदा क्या भाई, जल्दी से चलिए हम चलते हैं मनोज भाई के पास और आपको भी मिलवाते हैं, खुद भी मिलते हैं मनोज भाई। तो मनोज भाई क्या हाल है? बढ़िया हो? हाँ जी सर, सब बढ़िया। कितने बजे आया था आज आप? 12:30 बजे। 12:30 बजे आए थे? मैं तो चला था टाइम से, वो रास्ता ये भी बंद है, इधर भी बंद है, उधर भी बंद है, हर जगह से मतलब सब कुछ बंद रखा हुआ है। अब क्या करें जी, तो मतलब सारा माल खत्म हो चुका है सर, बस ऐसे ही आज कम भी लाया था। तो भाई देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है भाई, 244 हो रहे हैं और 12:30-1 बजे करीब आए थे भाई, और सारा माल मतलब सब कुछ खत्म कर चुके हैं। नीचे रखे हुए बर्तन ये देखिए सारे खत्म हो गए, यहाँ ऊपर रखे हुए हैं, और यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, एक आध प्लेट चावल बच रहे होंगे, और राजमा बच रही नहीं बच रही सर, बस थोड़ा सा दो आदमी के लिए मैंने रोक रखा है, वो भैया हैं एक, उन्होंने शूट करना है। और हमें खिलाने के लिए रखा है कुछ? नहीं रखा, कहीं खाली पेट भेज दो। नहीं नहीं यार, तो ये हमारी खाली रेडी हो गई है बस, सब कुछ खत्म हो चुका है लगभग भाई। क्या करे, सब आप लोगों की वजह से है। अरे कहाँ, बस आपकी मेहनत है सारी। मेरी मेहनत कुछ नहीं है, मैं तो लापरवाह आदमी था, आप लोगों से सीखा, प्लेट लग रही है, बोलने का तरीका, बात करने का लिहाजा क्या है, सब आपसे सीखा। अरे नहीं नहीं भाई, सब आपकी मेहनत है ये, कोई किसी का, मतलब मैं रास्ता पूछ रहा था यहाँ पे तो किसी ने रास्ता नहीं बताया एक बार भी। जिसकी जितनी समझ होगी वो उतना ही तो काम करेगा ना। दो तीन बंदे से पूछा, कह रहे भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, और समझ जिसकी जितनी होगी वो उतना ही करेगा ना, मैं क्या बोलूं। बिल्कुल यहाँ सामने ये दिख रही है शॉप, बिल्कुल यहाँ सामने पूछा था मैंने, तब भी किसी ने नहीं बताया। मैं जब काम करता था तो उनका मैं बिजनेस राइवल था। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं बताता था किसी को, खड्डे खोदते तो भरते। सही बात है भाई, सही बात है सर जी। आप कुछ नहीं, अब रोटी कितनी बची हुई है आपके पास? सर जी रोटी होंगी 15-20 ही बची हुई, 15-20 रोटी बची हैं। और क्या लेकर आए थे आप? सर मैं बैंगन का भरता लाया था, इसमें थोड़ा सा आपके खाने के लिए मैंने बचा के रखा। हाँ बिल्कुल, बचा के रखना भाई, भूख बहुत तेज लग रही है। मैं बैंगन का भरता लाया था, ये देखिए भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, साइड साइड में थोड़ा चिपका हुआ है। दुकानदारी तो देखिए लक होता है। सही बात है, नवरात्रि की वजह से भाई कम भी लाए थे आज, थोड़ा प्याज वगैरह की वजह से भी, और प्याज डालते ही नहीं हो, मतलब थोड़ा बहुत साइड में रखते हो प्याज देने के लिए। नहीं हूँ, केला साथ में देता हूँ, साथ में देता हूँ, साथ में देता हूँ सर। वैसे मैं प्याज डालने का रीजन पता क्या है? जो मैं 10-20-50 रुपए का खिला पाता हूँ। हाँ मतलब जो नहीं नहीं खिला, जो मतलब भूखे बच्चों को खिलाते हो फ्री में, तेल भी नहीं लगेगा, गैस भी नहीं लगेगी और टाइम भी नहीं लगेगा भाई। ये बहुत अच्छी बात है जो आप मतलब दूसरे जो भूखे इंसानों को भाई खाना खिला देते हो, वरना कोई भी नहीं खिलाता, आसपास इतने सारे स्टॉल है भाई, कोई नहीं खिला पाता जैसे आप खिलाते हो भाई। मेरे कस्टमर खड़े हुए थे, आप शायद देख रहे होंगे, दो हाँ जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपने हटा दी मतलब। दो 5-4 मिनट रुक जाओ। हाँ कोई नहीं मैम, थोड़ा माफी चाहता हूँ, आप थोड़ा लेट हो गए, मैंने टाइम से दिया हुआ था, कल दूंगा, कोई बात नहीं, वही आप लोगों के रूप में परमात्मा आ गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ऐसा दर्शन हो गया जी। नहीं भाई मेहनत भी तो कुछ होती है भाई, मेहनत भी तो इंसान की होनी चाहिए ना भाई। मेहनत क्या जी, जो इंसान मेहनत नहीं करेगा उसकी कितनी वीडियो बना लो भाई, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ मेहनत नहीं है, जो मेहनत मैं वाइंडिंग का काम 120 HP तक की मोटर बनाता था। मतलब पहले क्या करते थे आप? पहले टेक्निकल आदमी था, बड़ी बड़ी मोटर बनाता था वहाँ से लेके यहाँ तक की। अच्छा, इतनी बड़ी 4-4 लड़के मेरे पास, 6-6 लड़के काम करते थे। और फिर ये भी लगाते थे? नहीं सर ये नहीं, मतलब वही नॉर्मल वही काम था सिर्फ, वही काम, और उस काम को छूटने के बाद ये काम चालू करा सर। वो तो मैंने लापरवाही के चक्कर में बंद कर। हां जी भैया, हां जी सर, लॉकडाउन के बाद काम बंद करा है, फिर पहले कर दिया था वो काम बंद? वो तो बहुत पहले नोटबंदी के पहले ही कर दिया था। अच्छा, उसके बाद से सिर्फ मतलब ये चालू कर दिया? हां जी ये चालू कर दिया, फिर उसके बाद काट अपने। ये तो अभी 2018 में किया था। अच्छा अच्छा, रात में लगाता था, मतलब अब दिन में लगाने लग गए, पहले सिर्फ रात रात को ही लगाते थे? नहीं सर, दिन में भी लगाता था। अच्छा, दिन में यहाँ लगाता था तो 2-4 लोगों का बिकता था, चला जाता था। अच्छा, और फिर रात को दोबारा आते थे? रात में भी साहब, जैसे अभी काम है ना, रात में ऐसे ऑटो स्टैंड वालों को नहीं, जब उन्होंने चेक किया, हाँ जी, वहाँ से भी आते थे, सत्यम से भी, और अंदर इरोस होटल में से भी आते थे, बाउंसर भी खाना ले जाते थे 1:30 बजे। अच्छा। जब उन्होंने चेक किया कि खाना अच्छा है तो साहब सब आप जैसे भाइयों ने बोला बढ़ाते चले जाओ। अच्छा, मतलब बढ़ाया तब, मतलब दिन में अब ज्यादा काम होने लग गया, पहले नहीं हो पा रहा था इतना। हाँ साहब, बसता तो नहीं है। चलो सही है भैया, मतलब अब तो बढ़िया चल रहा है ना? अब बहुत बढ़िया है, खुश हूँ साहब। जैसे हम वीडियो बनाने आ रहे हैं और भी लोग वीडियो बनाने आते हैं, तो मतलब कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं? बहुत फायदा है।
बहुत। हाँ सर, मुंडी उठाने का टाइम नहीं है, मैं बहुत पता नहीं किसके लिए, ये साक्षात दर्शन है मेरे लिए। अच्छा जी। हाँ मतलब पहले के साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना, हाँ। तो उसके लिए वो साक्षात दर्शन है, अगर 4-5 दिन आपके साथ में भी घर में, और बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब पहले इतनी मतलब सेल नहीं हो पा रही थी? नहीं पहले तो दिन का नहीं काम नहीं था, पहले तो 10-12 आदमी का बेचता था, चला जाता था। अब देखिए एमसीटी का भी सीन आ रहा है, वो भी देखिए, वो भी टेंशन में आ गया। हाँ वो भी है जी, बहुत दिक्कत होती है भाई, एमसीटी का सीन आ रहा है, यहाँ से हटानी भी पड़ेगी भाई को शायद। जैसे ये लोग हैं, लोगों की तो बात माननी पड़ेगी ना सबके। बिल्कुल भाई, इनके तो कानून में रह के काम करना पड़ेगा। तो मतलब एमसीटी आएगी तो आपको हटानी पड़ जाएगी यहाँ से? सर वो तो करना ही पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। अच्छा चलो भाई, ये बात भी सही है भाई। अरे दो मिनट भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। और भाई? बढ़िया भाई। आप भाई का चैनल है भाई, स्वाद के बादशाह नाम से भाई, आप इनको तो जानते हैं, भूखा शेर के नाम से नीरज भाई हमारे भाई। अभी यहाँ पे भाई की मतलब यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए थे भैया की, मतलब शूट करने नहीं आए थे अपनी, बस हेल्प करने के लिए आए थे। तो भाई क्या हेल्प करना चाह रहे थे आप? मतलब भाई मैंने मतलब मेरी वीडियो में कुछ अच्छी चली है, मतलब सारी ऑडियंस बोल रही थी कि भाई कुछ मदद करे जाओ, तो मैं भी एक छोटा सा हिस्सा लेके आया था अपनी इनकम का, वीडियो का इनकम, क्योंकि अभी आई भी नहीं है भाई। हाँ अभी वो इनकम आई भी नहीं है, आपको भी पता होगा, आप भी यूट्यूबर हो, कि एक महीने बाद आती है वो इनकम, ठीक है ना। तो इसलिए मैं छोटा सा एक हिस्सा लाया था कि इनके लिए कुछ कर पाऊँ, पर भाई इन्होंने तो मना कर दिया साफ साफ, इन्होंने मना क्यों कर दिया? पहले पूछता हूँ एक बार, कोई नहीं मैं चलता हूँ भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, जा रहे हो? हाँ चलो ठीक है भाई। तो मनोज भाई आप पहले ये बताओ कि मतलब नीरज भाई आपकी हेल्प कर रहे थे, तो आपने मतलब मना क्यों कर दी? फिर वही सवाल कर, मतलब इंसान तो करता नहीं है और कोई तो करता नहीं है। आपको देखो ऐसा क्यों मना कर दी? मना इसलिए किया कि देखिए अभी 4 दिन पहले परेशानी से निकला हूँ। हाँ बेटा क्या चाहिए? क्या चाहिए? 4 दिन पहले सवाल उठाया गया, हाँ, कि मनोज ने काफी पैसे लाखों रुपए कमा लिए। अच्छा ऐसे मतलब लोगों से? हाँ, ले सर इनकी वीडियो चली 20-25 लाख तक चली। हाँ, ये आए अपनी जगह, ठीक है कि मैं हेल्प करने के लिए आया। हाँ, आपकी भी चलते, आप देखिए कि किसी ने गिफ्ट दिया मैंने लिया ना, बिल्कुल घर में काम आएगा ना। हाँ, अब ये इन्होंने बोला कि चलो भाई रिश्ते भी कराता है या किसी तरीके हेल्प हो जाए, पैसों से जो मर्जी ले ले, हर आदमी सोचता है। इन्होंने अच्छा सोचा कि भाई दो कपड़े जोड़ी अच्छे ले लेगा या बच्चों के लिए ले लेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि सर लोगों को तो कहने का मौका मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा भाई, कि मनोज ने तो चाहे यहाँ 5,000 दिखा रहा है, वहाँ पे तो क्या नाम कहते हैं लाखों रुपए, यहाँ 4 लोग खड़े थे। मैं ये नहीं कह रहा कि शूट किया हो या कुछ भी किया हो, जो लोग यहाँ 4 लोग खड़े थे उन्हें कहने का तो मौका मिल जाएगा। हाँ सही बात है भाई, बिल्कुल ठीक है जी। अगले ने तो अच्छा सोचा कि चलो वाइफ के लिए कुछ ले जाएगा, अगले ने मेरी मान रखा। लेकिन मैं साहब ये देखिए ना, मैंने आपको पहले बोला ये गोरा है एकदम, ये काला भी है, तो मैंने पहले पीछे देखा कि पीछे जो आप लोगों ने यूट्यूबर ने मेरे को दिया हुआ है, हाँ, वो बदनामी ना हो, ना आपकी हो ना मेरी हो। बिल्कुल ना, लोग लगा भी तो रहे हैं, बहुत सारे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब सर बोल रहे हैं, जब भी तो मेरे को ध्यान है ना, मौका क्यों दूंगा सर? सही बात है। और मैंने उनको ये बोल दिया आप मेरे नाम से रख दीजिए, मैं कहीं अच्छी जगह लगा दूंगा आप, और क्या सही बात, जिसे एक्चुअल आदमी की जरूरत हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जैसे लोग यूं कहने लग गए कि मनोज भाई में मतलब घमंड आ गया जब से मनोज भाई की वीडियो वायरल हुई है, ऐसा कुछ? सर जी आपको भी रास्ता किसी ने नहीं बताया होगा मेरे पास आने का? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो जब भी आ रहा था कितने बंदों से मैंने पूछा, आपकी स्टॉल के बिल्कुल सामने ही था, मैंने पूछा मतलब भाई मनोज भाई यहाँ पे थाली लगाते हैं, आपकी वजह से मेरे को जानने लगे कि कहाँ मैं खड़ा होता, क्या होता हूँ, क्या नेहरू प्लेस में नहीं जानते होंगे? बिल्कुल सब जानते हूँ, क्यों नहीं जानते होंगे? 18 से मैं हूँ सामने, मैंने पूछा किसी ने बता नहीं, मेरे एकदम से नजर पड़ेगी वहाँ सामने खड़े हुए। वो सर पता क्या, आदमी में जितना दिमाग होगा वो उतनी बात करेगा। अच्छा मतलब भाई मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा, मतलब जब से आपसे बात करके मतलब घमंड वमंड कुछ आया है, मतलब लोगों को ऐसा पता नहीं क्यों लगा जा रहा है। बिल्कुल भाई सही बात है। देखिए सर, सर का जूता पैर का जूता पैर में पहना जाता है, सर का कंघा तो सर में ही चलता है ना। बिल्कुल 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 भाई, ये तो मंदिर में खड़ा आदमी तो जय माता की करेगा, राम राम सत तो नहीं करेगा। बिल्कुल भाई, तो भाई हमें तो ऐसा लग नहीं रहा बिल्कुल भी, मतलब लोग ऐसे बता रहे हैं अपने वीडियो में भाई कि कई थंबनेल लगा रहे हैं कि भाई मनोज भाई स्कैमर हैं, ये है वो है, घमंड आ गया। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा भाई, भाई से मिलके स्कैमर होता तो मैं सर में यहाँ होता सर, मैं स्टेम में। अभी देखिए सर सब चले गए, सब चले गए, वो भी चले गए, वो बिरयानी वाला भी चला गया, वो भी चला गया, सब चले गए सर। बिल्कुल भाई, मैं यहाँ पे मेरा खाना कॉम्पिटिशन पे हो गया तो मैं यहीं पे हूँ। सही बात है भाई, ऐसा हमें तो कुछ भी नहीं लगा। तो मनोज भाई अब जो भी थोड़ा बहुत बचा हमें तो कुछ खिला दीजिए। हाँ सर, अब थोड़ा सा एमसीडी की वजह से एमसीडी वालों ने बोला हुआ है कि हाँ, मतलब अब हमें तो दोबारा बुलाया मनोज भाई को, हमें पूरा रास्ता साफ चाहिए होता है। हाँ तो आप प्लीज हटा दे रही है, एमसीडी वालों ने ऐसा बोला हुआ हमें। वही तो अब दोबारा आए मनोज भाई, अब दोबारा लगवा रहे हैं भाई प्लेटम। थोड़ा सा चावल मैंने बचा के रखा था, मैंने आपका काफी देर से माफी चाहूंगा, आप काफी देर से खड़े हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, कोई बात, वो एक परेशानी थी। बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा ही खाना दे पा रहा हूँ बस, क्या बताऊँ, आज एमसीडी के चक्कर में कुछ बांट भी दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना है बस उतना ही खा के चले जाएंगे हम तो, इतना ही ठीक है। बिल्कुल खत्म ही हो चुका था खाना, मतलब ये एंड बचा है थोड़ा सा,
तो इसी को जल्दी से हम टेस्ट कर लेते हैं अपना। तो भाई हमारी प्लेट तो तैयार हो चुकी है भाई, ये रायता वायता लगवा लिया हमने, रोटी लगवा ली है भाई, हम जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। भाई चावल भी टेस्ट कर लेते हैं हम। रायता तो भाई काफ़ी सही हो रहा है, चटपट हो रहा है, बिल्कुल मसाले वसाले फुल डाल रखे हैं, मतलब खाना बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे हम घर पे अपने खाते हैं खाना, मतलब कोई भी मतलब ऐसी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी हो, मसाले ज़्यादा कर दी किसी में या किसी में कम कर दी, बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल बना रखा। वह मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब जैसे और भी ज़्यादा यूट्यूबर आ रहे हैं वो जो कुछ भी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मनोज भाई भाई स्कैमर हो गया, मनोज भाई में घमंड आ गया भाई, ऐसे मैं अपनी खुद बताऊँ तो भाई मैं खुद अभी बात करी थी देर तक मनोज भाई से, वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, तो बिल्कुल हंस के बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो भाई कम से कम ऐसा तो मत करो, मतलब किसी बंदे को बदनाम करो ऐसा मत करो भाई, मैं सबसे बोलना चाहूँगा भाई जो भी नेहरू प्लेस आ रहा है वो मनोज भाई के पास जरूर आए और उनका खाना जरूर खा के जाए भाई। भाई जिसको वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।